अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यहां की मशहूर और मरूफ हस्ती के साथ, जिनका नाम है मोहम्मद परवेज साहब, जो कि यहां के लैंड लॉर्ड है चक नंबर 112 NR के, और यहां पे बिजनेस भी करते हैं। और इनकी मार्की का नाम है डायमंड मार्की के नाम से, जो कि 14 पुल पे है, तहसील जहानिया, जिला खानेवाल में। और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त जो जिम्मेदारा ये यहाँ पे कर रहे हैं, उनके हम मसाइल के हवाले से हमें बताएं, ताकि हम हुकूमत पाकिस्तान को बता सकें कि जिम्मेदारा के ये मसाइल हैं। अगर हमारा जिम्मेदार खुश होगा तो हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। दूसरा, ये मार्केट चला रहे हैं, मार्केट पे तो आजकल SOPs की वजह से और शादी ब्याह पे बहुत सारी पाबंदी है कोरोना की वजह से, उसके बारे में भी बात करते हैं और थोड़ी सी कोरोना के बारे में भी बात करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद परवेज साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? ठीक है सर। सबसे पहले तो आप यहाँ पे जिम्मेदारा कर रहे हैं, जिम्मेदारा के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो उस हवाले से आप हुकूमत पाकिस्तान को क्या कहेंगे ताकि आपके मसाइल को हल किया जाए? पाकिस्तान क्या करते हैं, पाकिस्तान तो इस तरफ आती ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है कि हमारे सबसे ज्यादा जो इस वक्त खेती बाड़ी का नुकसान हो रहा है, वहां किसी हुकूमत का कोई दिक्कत नहीं, हर चीज महंगी बड़ी दे रहे हैं, खाद वो महंगी है, अगर कोई बीज वगैरह देना है वो महंगा है, इसमें पूरी तरह पड़ती ना पानी लेना डीजल महंगा है, बिहार 1 रुपए कुछ पैसे सस्ता हुआ, 1 रुपए नहीं तो एक यानी कि हुकूमत पाकिस्तान जिम्मेदारा को कोई रिलीफ नहीं दी, कोई रिलीफ नहीं है पाकिस्तान में कोई नहीं। हालांकि मौशी तौर पे जो है ना, रीढ़ की हड्डी हमारी ज़राअत है, अगर ज़राअत नहीं है तो आपका पूरा मुल्क नहीं चल सकता, और पाकिस्तान तो माशाल्लाह सोने की चिड़िया है, लेकिन है कि हुकूमत को चाहिए कि इसमें जिम्मेदारा के मसाइल को हल करें। खाद तो 30 है मेरे ख्याल में, 3800 रुपए की थी वो 52-54 पे चली गई, तो इस वक्त कोरोना छाया हुआ है, आपकी मार्केट भी आपने बनाई हुई है, वो शादियां ब्याह भी रुके हुए हैं, क्योंकि आउटडोर जो भी है वो कुछ इंतजाम कर सकते हैं, SOPs के हवाले से आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? हकीकत है, अगर बीमारी है तो है, तो है ऐसा भी करना चाहिए, हर इंसान इधर इधर देहातों वाले थोड़ा सा सुनते नहीं है, शहर वाले तो बिल्कुल समझ देते हैं, लेकिन देहात वाले तो SOP होती क्या है, क्या चीज है, एक अपना तो थोड़ा बड़ा बाकी देहातों में भी खास इधर तो गर्मी भी रहती है, आती रहती है, इधर तो खास कोरोना की तरफ सज्जा काम है, और देहात वालों को चाहिए कि SOPs पर अमल करें, मास्क लगाएं, फासला रखें, तो आपकी मार्केट पे इस पे बहुत सारा असर पड़ा होगा कोरोना की वजह से। अब तो माह रमजान आ गया, ईद के बाद जो है ना, अब ईद के बाद भी मुश्किल है, नजर आ रहा है ईद और मुहर्रम के दरमियान में जो प्रेशर है, हाँ फिर उसके बाद बाद में देखेंगे, मुहर्रम के बाद ही गेम करता है। लास्ट पे हुकूमत पाकिस्तान को कोई पैगाम देना चाहते हैं? तीन साल हो गए खान साहब ने बड़े वादे किए थे, बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग सही, कोई मसाइल के हवाले से ताकि उनको पैगाम पहुंचाया जाए कि ये मसाइल है इसको हल किया जाए। मसाइल ना आपके पास को रोड है, ना तो लैंड है, ना तो तेल है, ना तो आप पेट्रोल वाला पुल देखते हैं आगे जाके, जी सारा रोड टूटा हुआ जी, आप जो मसाल से आए हैं रोड बना हुआ है, 3 साल में 2.5 साल में ये रोड हुआ है, वही जो पहले के बने हुए हैं वही बने हुए हैं, उसके बाद 3 साल में तो तरक्याती काम हो गई, वही तरक्याती काम है, सिवा एक मंडी यजमान जो कि चीमा साहब बनवा रहे हैं, वो चीमा साहब बनवा रहे हैं ना भाई, सारे चीमा तो नहीं हो जाएंगे ना, वो तो जबरदस्ती बना रहे था, लेकिन इधर का कौन बना है, इधर का लोगों ने एक तो पहले तो MPA का है, मोदी का है, उनके पास फंडिंग नहीं है, जहाँ पे ओपोजिशन में कोई बंदा बैठ जाता है उसको फंड मिलते हैं और वहां की आवाम रोती है, वहां की आवाम रोती है,
पांच साल तो खास तौर पर होती है, बहुत यानी कि खान साहब को चाहिए कि तरक्याती कामों की तरफ तवज्जो दे। खान साहब पहले तरक्याती कामों पर तवज्जो देनी चाहिए जी, चलो अपनी बात है पहले देनी चाहिए, इस तरफ तो तवज्जो है ही नहीं खान साहब, जो पैसा आ रहा जा रहा दे रहा है वो जा रहा है यानी कि पीटीआई की हुकूमत में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, आपका मकसद ये नून लीग वालों ने बड़े अच्छे काम किए उनके दौर में, तो अगर ज्यादा नहीं है तो 90% 80% तो हुए हैं, उसके दौर में 1% भी नहीं हुआ, महंगाई का तनासब भी बढ़ गया है, तिरासी रुपए तो गवर्नमेंट रेट मुकर किया है लेकिन कोई भी नहीं दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा, 100 रुपए ही दे, 100 रुपए ही आज भी महंगी है, जिम्मेदार से चली जाती है महंगी हो जाती है जिम्मेदार के पास वापस आती है, इसका हल क्या है आपकी नजर में? एक कंट्रोल होना चाहिए ना, कंट्रोल ही किसी जानी है तो क्या है गवर्नमेंट क्या कर लेंगे, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल किसी चीज पे नहीं है तो क्या चलेगी, काम गंदा मतलब बहुत नहीं चलेगी, क्या आप गंदा निकल रही है पास, गवर्नमेंट सेंटर तो बदलेंगे पास पासपोर्ट सेंटर कहाँ है, पंद्रह पास कर थोड़ा आधी का नंबर नहीं होगी, इधर 1800 रुपया सेंट में आपकी 2000 रुपया क्या ये पाकिस्तान में धोखा नहीं है, हर सूबे का इलादा इलादा रेट ज्यादा ज्यादा रेट है, वफाक ऊपर से नहीं करती ना कंट्रोल, तो वफाक ने करना होता है, कंट्रोल तो वफाक ने करना है ना, ये धोखा में क्या है, 2000 रुपया उधर या 1800 रुपया इधर, ये तो गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट पंजाब से पूछना चाहिए था ये क्या वजह है, नहीं सर ये वफाक को पूछना चाहिए ना, वफाक क्या कर रही है, क्योंकि आजकल सूबे आजाद में है ना, ठीक है 200 रुपये का अपने के साथ ये 200 रुपये बराबर कर देते, उनको अगर नहीं कर सकते थे अगर उनको काम नहीं कर सकते थे या उनसे नहीं करवा सकते थे तो ये भी 200 रुपये बराबर कर देते, क्योंकि 18वीं तरमीम भी तो पास हुई है ना कि हर सूबा इलादा इलादा आजाद है, जो मर्जी कर सकते हैं, पास हुई है चीज मान लिया वो अपने सूबे के लिए उसने बनाई थी, तो क्या ये क्या ये नहीं कर सकते, बिल्कुल क्या ये 200 का नहीं कर गरीब आवाम को नहीं दे सकते थे, इसने क्या कर आवाम ने क्या जिम्मेदार ने क्या, यानी कि मुश्किल का ही शिकार है आवाम, अब जिम्मेदार को एक रुपया नहीं बच रहा है, सही गंदम के पीछे अपने पास के पीछे का पिछले साल तुम्हारे कहाँ कहाँ है, 5 से 6 मंथ 5 मंथ 3 मंथ 4 मंथ किलो होंगे कपड़े भी बने हुए कहते हैं पानी का खर्चा पूरा नहीं दूसरा भी खर्चा करता था, जब खर्चे बढ़ते जाएंगे हर चीज देखभाल बढ़ती जाएगी हर चीज बढ़ती जाएगी, राशन के दौर में ये 2500 रुपये की था यूरिया 1250 रुपये की थी, अब ये 5200 रुपये की हो गई है, डी ए पी जिम्मेदार को कोई रिलीफ नहीं दिया, 2000 रुपये की मिल रही है यूरिया, चलो इंशाल्लाह ताला ये आपकी बातें ना खान साहब तक पहुंचाएंगे और मुझे उम्मीद है कि खान साहब इस पे अमल करेंगे और जिम्मेदारा को कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे, ताकि जो जिम्मेदार हमारा खुशहाल होगा तो पाकिस्तान टैक्सन की कीमत कहाँ चलेगी पहले ये मुझे बताओ, ये बिल्कुल ऐसे ही है, एकदम छोड़ा था कि लोग 5% बनाता है ऐसे एक छोटा सा गरीब आदमी कहा मिलते थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कौन कर बहुत शुक्रिया नाजी, ये थे मोहम्मद परवेज साहब जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है खासतौर पे जब से पीटीआई की हुकूमत आई है महंगाई का एक तूफान सा बरपा है, कोई जिम्मेदारा के लिए रिलीफ नहीं है, खाद जो है ना नून लीग के मुकाबले में बड़ी ऊपर चली गई, वहां पे 1800 में 1200 रुपए में बिक रही थी, अब यहाँ पे 5600 में 5400 में बिक रही थी, जिम्मेदारा के लिए जो है ना एक बहुत बड़ा खरीद के काबिल भी नहीं है, और जब फसल होती है तो उसको कुछ बचता ही नहीं है, अब गंदा महंगी इस रेट पे जा रही है, खासतौर पर इन पर यह भी कहना था कि सूबों में बहुत सारा फर्क रखा जा रहा है, 1800 पंजाब में है, 2000 सिंध में है, वफाक को कंट्रोल नहीं कर सकती, बल्कि खान साहब तो बिल्कुल किसी चीज को माफिया को कंट्रोल ही नहीं कर सकते,
और मेरा अपना जाती तौर पे भी राय है, बल्कि आवाम की भी यही राय है कि खान साहब से अपील भी है कि जितने भी आपने वादे किए थे वो पूरे करें, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके और आवाम हमारी खुशहाल हो सके। कैमरा मैन साजिद अली के साथ डॉक्टर नवीद 72।